हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या एंड्रॉयड डिवाइस है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फोन एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी को कैसे ज़्यादा बचा सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपकी एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी ज़्यादा बची होगी तो आपका फ़ोन जो है ज़्यादा देर तक चलेगा। क्योंकि एक्चुअली होता ही है कि जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है वो काफ़ी बैटरी खत्म करता है। तो आजकल हर किसी को ये प्रॉब्लम रहती है कि मेरे फ़ोन की बैटरी जो है वो ख़त्म हो जा रही है, तो साथ में डेटा केबल लेके घूमना पड़ता है कि कहीं पोर्ट मिल जाए तो मैं फ़ोन चार्ज कर लूँ, और चार्जर साथ लेके घूमना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और आपकी जो बैटरी है वो 50% से ज़्यादा तक का बच जाएगी और आपकी बैटरी जो है ज़्यादा चलेगी। कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा 15, और कुछ सेटिंग बताऊंगा जिससे आपकी फ़ोन की बैटरी जो है बच जाएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर आप ये वीडियो देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको यहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर ये इमेज है इसमें जैसे ही होगा लेके आएंगे तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा, आप इसमें क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। या फिर यहां पर आप ये URL में ये एड्रेस डालिए youtube.com उसके बाद /c उसके बाद हाउ टू हिंदी और इन डालेंगे तो ये हमारा चैनल जो है खुल जाएगा। फिर आप यहाँ पर से क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स डालते हैं जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना समय गवाए अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं फोन में। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ ये मैं आपको एंड्रॉयड लॉलीपॉप में बता रहा हूँ, और ज़्यादातर फ़ोनों में, ज़्यादातर एंड्रॉयड के वर्जन में सब में सेम फीचर्स होते हैं, बस थोड़ा सा इंटरफेस अलग होता है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक का देखना है और सीखना है बहुत कुछ जिससे आपकी बैटरी जो है 50% से ज़्यादा बच जाएगी। तो सबसे पहले आपने अपने नोटिफिकेशन बार में आना है, इसको नीचे को करना है। तो यहाँ पर ये देखिए, आपकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, क्विक एंड ईजी सेटिंग होती हैं, फास्ट सेटिंग होती है, जिससे आप क्या कर सकते हैं बैटरी को आराम से बचा सकते हैं। जैसे देखिए, आपका ब्लूटूथ खुला हुआ है तो आप क्या कर लीजिए, ब्लूटूथ बंद कर लीजिए अगर आप यूज़ ना कर रहे हो। आपका वाईफाई खुला है तो आप वाईफाई को बंद कर लीजिए अगर आप यूज ना कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपका हॉटस्पॉट खुला हुआ है तो आप उसको भी बंद कर लीजिए, और आपका ये जो लोकेशन होता है कुछ फोनों में GPS के नाम से जाना जाता है, आप इसको भी बंद कर लीजिए अगर आप इसको यूज ना कर रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जाना है सेटिंग में, ठीक है, होम में हम आते हैं। उसके बाद आपने जाना है अपने फोन की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है साउंड एंड नोटिफिकेशन। देखिए, साउंड एंड नोटिफिकेशन में आपने जाना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपने मीडिया की साउंड, ये देखिए साउंड को इनको कंट्रोल कर सकते हैं जितना भी आप रखना चाहें, जैसे अलार्म का वॉल्यूम है और ये रिंग का वॉल्यूम है। तो अगर आप वॉल्यूम फुल रखेंगे तो उससे क्या होगा, जो आपकी बैटरी है वो ज़्यादा कंज्यूम होगी, तो आप इसको थोड़ा सा कम रख लीजिए। अगर रिक्वायरमेंट है तभी इसको ज़्यादा रखिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, वाइब्रेट फॉर कॉल्स, मतलब जैसी कॉल आएगी तो ये वाइब्रेट होगा। और वाइब्रेशन आपके फ़ोन में होता कैसे है, वाइब्रेशन करने के लिए एक मोटर लगाई जाती है, जब भी वो मोटर चलती है तो वो क्या करती है, बैटरी की पावर को कंज्यूम करती है। तो अगर आप जितना ज़्यादा हो सके वाइब्रेशन को कम यूज़ किया कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको ज़रूरत है तभी आप इसको वाइब्रेट को यूज़ करा करिए, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद आपने आना है नीचे, और यहाँ पर ये देखिए अदर साउंड्स में आपने क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे आप अदर साउंड में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए चार ऑप्शन आपके पास हैं, डायल, पैड, नोट, टोन, ठीक है। जैसे आप कोई नंबर को कॉल करते हैं तो उस समय आपकी टोन जो है वो ऑन रहती है, अगर आपको जरूरत है तभी ऑन रखिए, नहीं तो इसको ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो इसको हम ऑफ कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए स्क्रीन लॉक साउंड, जब भी स्क्रीन लॉक होगी तो ये साउंड करेगा, तो साउंड करेगा तो आपकी बैटरी कंज्यूम होगी, अगर आपको जरूरत है तभी करिए नहीं तो नहीं करिए। उसके बाद टच साउंड, जब भी आप फोन को टच करेंगे तो ये साउंड करता है, तो इसको अगर आपको जितनी बार ज़्यादा टच करेंगे उतनी बार ये साउंड करेगा, और साउंड करने में आपकी बैटरी कंज्यूम होगी, तो इसको हम बंद ही रखते हैं, ठीक है। और वाइब्रेट ऑन टच, हर बार जितनी बार टच करेंगे उतनी बार ये फ़ोन क्या होता है, वाइब्रेट होता है, तो हम क्या करेंगे इसको भी बंद कर देंगे, ठीक है। तो जो जो आपकी ज़रूरत है आपने क्या करना है, सिर्फ उसी को ऑन करना है। ये थी दूसरी टी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आइए तो यहाँ पर ये देखिए नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर पल्स नोटिफिकेशन लाइट होती है, जो आपके फ़ोन में कभी कभी हैं, किसी किसी के फ़ोन में यहाँ पर होती है, छोटी सी लाइट जलती बंद जलती बुझती है, किसी किसी के फ़ोन में यहाँ पर होती है छोटी सी लाइट, ठीक है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो तभी उसको ऑन करिए, क्योंकि जितनी बार नोटिफिकेशन आता है वो लाइट उतनी बार चलती है,
ठीक है, इसको हम ऑन ही रखते हैं। और उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये देखिए ऐप नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो सारी की सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी जिनके नोटिफिकेशन आपको आते हैं। तो जरूरी नहीं है आप हर किसी के नोटिफिकेशन लें, जैसे ये देखिए कुछ ऐप्स जो होती हैं जिनके नोटिफिकेशन आपके काम के नहीं होते हैं तो उनको आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर से ब्लॉक कर लीजिए। इसमें क्लिक करेंगे, थोड़ी देर तक प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए आपके पास ऑप्शन आता है ब्लॉक का, तो इसको क्या कर लीजिए, ब्लॉक कर लीजिए। जैसे मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और जैसे ये देखिए कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर की भी मेरे को नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी ऐप हैं जिस जिसकी आपको जरूरत है उस उसका आप ऑन करिए। जैसे आप व्हाट्सएप का ऑन कर सकते हैं, फेसबुक का ऑन कर सकते हैं, और जिस जिसकी आपको जरूरत नहीं है आप उसको हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से देखिए आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं जिस जिसकी आपको जरूरत नहीं है। जैसे गूगल प्ले म्यूजिक की नहीं है मुझे जरूरत, इसको भी बंद कर देते हैं। तो जितनी बार नोटिफिकेशन आएगा उतनी बार आपका फोन बजेगा, वाइब्रेट होगा, तो उससे क्या होगा आपकी बैटरी कंज्यूम होगी, तो आप इनको क्या कर लीजिए, बंद कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपकी बैटरी जो होगी वो बचेगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेटिंग्स में, फिर से बाहर आते हैं। ठीक है, फिर से हम सेटिंग्स में क्लिक करते हैं। सेटिंग में जैसे ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप लास्ट तक का देखते रहिए, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सेटिंग में, उसके बाद नीचे को आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक जगह लोकेशन मिलेगा। तो ये देखिए लोकेशन, तो कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो आपकी लोकेशन बेस्ड आपको टारगेट करती हैं, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो होता है ऑन होता है, जैसे गूगल ये डायलर है, ये क्या करेगा आपको नोटिफिकेशन बेस्ड, इसको हम एग्री कर लेते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये बाय डिफॉल्ट ऑन होना है, वो ऑन होता है, तो आपने क्या करना है इसको ऑफ करना है। बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं जो आपकी लोकेशन के हिसाब से आपको टारगेट करती हैं, कुछ ऐड देती हैं, तो उसको क्या, इसको क्या कर देंगे हम, ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो बार बार हमारा जो GPS है वो खुलेगा नहीं और क्या होगा बैटरी बचेगी, इसको हमने कर दिया ऑफ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो ही आप इसको ऑन करिए, नहीं तो आप इसको ऑफ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेटिंग्स में हम हैं, सेटिंग्स में नीचे को आपको कहीं पर मिलेगा डेटा यूज, ठीक है। ये देखिए डेटा यूजेज, आपने क्या करना है इसमें क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए आपको नीचे सारी की सारी एप्लीकेशन मिलेगी जो आपका डेटा यूज कर रही है, ठीक है। ये सारी की सारी एप्लीकेशन आपको जो बैकग्राउंड में डेटा यूज करती हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन, ज्यादातर एप्लीकेशन जो होती हैं बैकग्राउंड में चलती हैं, जिससे क्या होता है वो आपका डेटा डाउनलोड और अपलोड करती हैं, उससे क्या होता है आपकी जो बैटरी होती है वो ज्यादा कंज्यूम होती है, और साथ ही साथ आपका मोबाइल का जो डेटा होता है वो भी खर्च होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको एप्लीकेशन चाहिए आप चाहते हैं कि वो बैकग्राउंड में रन ना करे, तो आप क्या कर सकते हैं उसको यहाँ पर से ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ट्रू कॉलर है, ट्रू कॉलर मेरे को नहीं चाहिए, तो इसमें आपने क्लिक करना है और नीचे को क्या करना है स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर ये देखिए रेस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन बैकग्राउंड डेटा, ठीक है। इसको हमने क्या करना है रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो इसके बाद यहाँ पर से ओके कर लेते हैं। ओके में क्लिक करा तो ये क्या हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गई। तो ऐसे जितनी भी एप्लीकेशन है आप उसको क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और पांचवी जो टिप है, पांचवी टिप में क्या है, अगर आपके पास चॉइस है कि आप अपना वाईफाई का डेटा यूज करें या फिर आप अपना मोबाइल डेटा यूज करें, तो आप हमेशा मोबाइल वो वाईफाई का डेटा यूज किया कीजिए, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क में क्या होता है, मोबाइल नेटवर्क में ये होता है कि कभी कभी जो आपका आपका जो फोन होता है वो क्या करता है, अच्छे से अच्छे स्ट्रांग सिग्नल को कैप्चर करने की कोशिश करता है, तो कभी उसको 2G मिलते हैं तो वो 3G के लिए कोशिश करता है, तो उस कोशिश में उसका क्या होता है आपका प्रोसेसर जो होता है वो बिजी रहता है, जिससे क्या होता है आपके फोन की बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती है। तो आप क्या करें, अपना वाईफाई जो है वाईफाई के थ्रू अपना डेटा यूज करें, ठीक है। वाईफाई के थ्रू डेटा यूज करेंगे और वाईफाई जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है, इसलिए उसको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है आप बार बार सिग्नल को कैच करने की, ठीक है। तो आप हमेशा वाईफाई को यूज करें, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये देखिए आप अपने होम पेज में बहुत सारे विजिट डाले रहते हैं, ठीक है। ये देखिए इतने सारे विजिट यहाँ पर, ये देखिए इन विजिट को जितना आप ज्यादा रखेंगे उतना आपका बैटरी का कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो आप क्या करिए, जो जो आपके यूज के हैं आप उन्हीं को रखिए, बाकी को क्या करिए आप डिलीट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये देखिए इमेज वाली है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ऐसी ये देखिए कैलेंडर है, इसको भी डिलीट कर दो। तो जितनी आपकी ज्यादा विजिट आप रखेंगे अपने उसमें होम स्क्रीन में उतनी ज्यादा आपकी बैटरी कंज्यूम होगी, और जितने ज्यादा आइकन रखेंगे उतने ज्यादा आपकी बैटरी कंज्यूम होगी। तो आप इनको क्या करिए कम से कम रखिए, ठीक है।
जो सातवीं टिप है उसमें ये है कि जितना ज्यादा हो सके आप एड फ्री एप्लीकेशन को यूज किया कीजिए, क्योंकि एड फ्री एप्लीकेशन आप यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो आप जो एड वाली एप्लीकेशन होती है उसमें क्या करती है एप्लीकेशन, क्या करती है जो एड होते हैं उनको डाउनलोड करने में क्या होता है, आपका बैटरी कंज्यूम होती है और वो क्या करती है डाउनलोड करती है एड को और अपलोड करती है आपकी इन्फॉर्मेशन को, ताकि वो टारगेटेड एड आपको दिखा सके। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है आपकी बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती है, वो डाउनलोड और अपलोड करेंगी। तो ठीक है, आपने क्या करना है, जो एप्लीकेशंस कम ऐड दिखाती है मतलब नहीं दिखाती है उसको आपने यूज करना है। और आठवीं टिप है डिस्प्ले के बारे में, तो हम आते हैं डिस्प्ले में। आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है और उसके बाद यहां पर से डिस्प्ले में आना है। आपको डिस्प्ले मिलेगा यहां पर कहीं पे नीचे, देखिए डिस्प्ले मिल रहा है, तो डिस्प्ले में आपने क्लिक करना है। तो डिस्प्ले में जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहां पर ये देखिए अडैप्टिव ब्राइटनेस है। तो अडैप्टिव ब्राइटनेस का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये जो ब्राइटनेस आपके फोन में होगी वो एटमॉस्फेयर को ध्यान में रख के स्क्रीन की ब्राइटनेस होगी, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली जब ये आप अडैप्टिव ब्राइटनेस को ऑन करते हैं तो आपका फोन जो होता है उसके जो सेंसर्स होते हैं वो काम करने लग जाते हैं और वो बार बार ये देखते हैं कि वो एटमॉस्फेयर में कैसी ब्राइटनेस है, तो उसके हिसाब से ये आपकी फोन की ब्राइटनेस को कम और ज्यादा करते हैं। तो जब वो सेंसर एक्टिव होते हैं तो सेंसर को एक्टिव होने में जो आपकी बैटरी होती है वो ज्यादा कंज्यूम होती है, तो इसलिए आप हमेशा इसको क्या करिए ऑफ कर लीजिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है इसको ऑफ कर लेना है और उसके हिसाब से आप अपने फोन की ब्राइटनेस को यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अडाप्टिव आपने नहीं करना है इसको, तो जितने में आप ऑपरेट कर सके मिनिमम से मिनिमम आपने उतना इसको रखना है। ठीक है, और जो नौवीं टिप है वो है वॉलपेपर से संबंधित। तो आपने क्या करना है, नीचे यहां पर आपको वॉलपेपर मिलेगा, वॉलपेपर में आप क्लिक करेंगे तो वॉलपेपर आपने क्या करना है, लाइव वॉलपेपर कभी यूज नहीं करने हैं। ठीक है, अगर आपने लाइव वॉलपेपर यूज करने हैं तो भी आपने कौन से लाइव वॉलपेपर यूज करने हैं, जो डार्क थीम वाले हों। ठीक है, मतलब जिनकी जो ज्यादा ब्राइट थीम वाले ना हों, उनको आप अगर यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो स्क्रीन है वो ज्यादा ब्राइट नहीं होगी और स्क्रीन में ज्यादा पिक्सल जो होंगे वो ग्लो नहीं करेंगे, क्योंकि पिक्सल ग्लो करने में आपकी बैटरी जो होती है वो कंज्यूम होती है, क्योंकि जो आपकी स्क्रीन बनी होती है वो छोटी छोटी एलईडी से बनी होती है और एलईडी जब जलती है तब आपकी स्क्रीन जो होती है ग्लो होती है, तो एलईडी जलने पे आपकी बैटरी जो होगी वो कंज्यूम होगी। तो आप क्या करें, जो डार्क वॉलपेपर होते हैं आप उनको यूज किया कीजिए। तो जैसे मैं फोटोज में जाता हूं और यहां पर से हम कोई एक डार्क वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला हमने सेलेक्ट करा और इसको हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया। तो देखिए स्क्रीन जो होगी उसके पिक्सल्स ग्लो नहीं होंगे, जिससे आपकी बैटरी काफी बच जाएगी। और जो 11वीं टिप है उसमें आपने क्या करना है, सेटिंग में आना है और फिर यहां नीचे बैटरी में आना है। ठीक है, सेटिंग में आना है और उसके बाद नीचे बैटरी में आना है। बैटरी में आके आपने क्या करना है, यहां पर ये देखिए ये जो एप्लीकेशन है नीचे को आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी की सारी एप्लीकेशन पता चल जाएगी कि कौन से एप्लीकेशन आपका कितना बैटरी खा रही है। अगर कोई एप्लीकेशन ये है, ऐसी है कि जो आपकी बहुत सारी बैटरी खा रही है, जैसे देखिए सबसे ज्यादा बैटरी स्क्रीन खा रही है, तो आप स्क्रीन की ब्राइटनेस कम करेंगे। और अगर आपके कोई गेम खेल रहे हैं आप, सबसे ज्यादा बैटरी खा रही है वो, तो आपने क्या करना है उसको थोड़ी देर तक होल्ड करना है और उसको चुपचाप सीधे सीधे अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए फोर्स स्टॉप में, और या फिर इसको क्या कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बैक करते हैं और उसके बाद यहां पर ये देखिए आपके पास ऑप्शन होता है यहां पर एक बैटरी के अंदर, यहां पर जो थ्री डॉट है इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर से देखिए बैटरी सेवर आप लगा सकते हैं। बैटरी सेवर का मतलब है, अगर आप बैटरी सेवर लगाएंगे तो ये क्या करेगा, बैटरी सेवर जो आपका सीपीयू है उसको कम करेगा और आपकी परफॉर्मेंस तो उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन आपकी बैटरी जो है वो काफी बच जाएगी। और साथ ही साथ ये बैकग्राउंड जितना डेटा कम्युनिकेशन होता है उस सबको बंद कर देगा। ठीक है, और आपका जितनी भी एप्लीकेशन सिंक्रोनाइजेशन करती है बैकग्राउंड में उस सबको ये खत्म कर देगा। तो बैटरी सेवर में हम जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं अगर आप लंबे टूर में जा रहे हैं और आपने फोन को यूज नहीं करना है कुछ समय के लिए। तो जब भी आपने फोन को यूज नहीं करना है तो आपने बैटरी सेवर को ऑन कर लेना है। ठीक है, तो अभी मैंने चार्जिंग पे लगा रखा है इसलिए ये ऑन नहीं हो रहा है। उसके बाद जो 13वीं टिप है, 13वीं टिप में आपने क्या करना है, आपने जितनी भी आपकी एप्लीकेशन होती है उनको अप टू डेट रखना है। अप टू डेट रखने का फायदा यह है
अपडेट सारी की सारी एप्लीकेशन अगर आपकी होंगी तो जिस एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन बनाते हैं जो एप्लीकेशन के डेवलपर होते हैं वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि एप्लीकेशन को ऐसा बनाएं कि वो कम से कम बैटरी कंज्यूम करे, तभी लोग उसको इंस्टॉल करेंगे अपने फोन में। ठीक है, और जो तेरहवीं चौदहवीं जो भी होगी, मैं भूल गया काउंटिंग ही भूल गया, उसके बाद तेरहवीं चौदहवीं जो भी होगी उसमें आपने क्या करना है, अपने फोन को कभी भी फुली डिस्चार्ज नहीं करना है। ठीक है, ये याद रखिए, आपने अपने फोन को कभी भी फुली डिस्चार्ज नहीं करना है। और उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट टिप है, नेक्स्ट टिप में आपने क्या करना है, हेलो गूगल को बंद करना है। जैसे ये हेलो गूगल, पहले आपको दिखा देता हूँ मैं क्या होता है। ओके गूगल, ये देखिए से ओके गूगल, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको बोल के भी क्या करता है, आपका सर्च करता है। तो यहाँ पर जैसे मैं बोलता हूँ 1+1+1+1, तो यहाँ पर ये देखिए मेरे को आंसर ये लेके आ गया। तो ये क्या करता है, आपके जो आपका माइक्रोफोन होता है उसको हमेशा बिजी रखता है। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के लिए आपने क्या करना है, गूगल की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर से आप गूगल की सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं। गूगल की सेटिंग में जैसे ही आप जाएंगे, उसके बाद नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च एंड नाउ में आपने जाना है। सर्च नाउ में जाते ही आपको यहाँ पर वॉइस मिलेगा, आपने क्या करना है वॉइस में जाना है। तो जैसे ही वॉइस में जाते हैं तो यहाँ पर ये देखिए ओके गूगल डिटेक्शन, आपने क्या करना है इसको ऑफ कर देना है। पहले नंबर पे होगा, इसको आपने क्या कर देना, ऑफ कर देना है। ठीक है, इसको आपने ऑफ कर दिया। उसके बाद जो लास्ट टिप है, 15वीं टिप, उसमें आपने क्या करना है, अपने फोन को अगर हो सके तो रूट कर लीजिए, क्योंकि रूट करने से बहुत सारे फायदे होते हैं जिससे आपकी बैटरी बच जाएगी। आप अपने सीपीयू को हैंडल कर सकते हैं, हार्डवेयर का अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं, और जितने भी सिस्टम की एप्लीकेशंस हैं उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। रूटिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि रूटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, तो फिर इस वीडियो के लास्ट में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में जाकर आप सीख सकते हैं कि रूटिंग के बारे में, कि रूटिंग से क्या क्या फायदा होता है और रूटिंग से बैटरी को कैसे बचाया जा सकता है। और आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फोन को कैसे रूट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि अगर आपको कोई और मेथड पता है जिससे आपकी बैटरी जो है वो कम हो सकती है। ठीक है, उसको हम आने वाले वीडियो में इंक्लूड करेंगे। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू।